दिल्ली के सदर बाजार इलाके में गंदगी के ढेर और आवारा पशु के आतंक से नाराज आज सदर बाजार के व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। यहाँ के व्यापारी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवारा पशु और गंदगी की वजह से यहाँ पर लोग नरक के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदगी की वजह से बीमारियां हो रही हैं और इतनी बदबू आती है कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं आवारा पशु आए दिन आने जाने वाले लोगों को टक्कर मारकर घायल कर देते हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर हमारी इस मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो पूरे बाजार को बंद कर सड़कों पर उतरेंगे और मेयर का घेराव करेंगे। ढेर इतने होते हैं, परेशान आ जाते हैं। सुबह सुबह पटरियाँ लगती हैं राखी की, इतनी भीड़ होती है भाई साहब, इतना गंद मचा होता है क्या बताएं। बारिश जरा सी, एक घंटे की बारिश नहीं होती ना, 15-20 मिनट बारिश में पानी अंदर के भर जाता है पूरा, एकदम पानी पानी, समझ लो उसमें लगा नदियों के अंदर बैठ गए हमारा, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा शिकायत करी, कुछ शिकायत करते हैं कोई सुनता ही नहीं, किसको शिकायत करें बताओ। देखिए हमारा व्यापारी बड़ा दुखी परेशान है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, हमारे ग्राहकों की सम्मान का सवाल है। हमने 8 दिन पहले भी धरना दिया था, सरकार को चेताया था, अब प्रेस के 47-48 लोगों ने पेपर से न्यूज़पेपर चैनल ने हमारी खबर को छापा, लेकिन सरकार नहीं जागी। कुछ एरियो की फ़ोटो भेजी, देखिए जी हम रात को सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर, हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमने आपको दिखाया सड़क पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूँ सदर बाज़ार अब एक मार्केट नहीं रही, सदर बाज़ार लैंडफिल है, कूड़े का ढेर है, कूड़े करकट का स्थान है, जहाँ पर आवारा पशु घूमते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग नहीं आते, कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, व्यापारियों की जेब कट रही है, महिलाओं के साथ इवटीजिंग हो रही है। एक समस्या हो तो मैं बात करूं आपसे, सभी समस्याएं हैं, यहाँ पर सफाई हो तो ट्रैफिक खुलेगा, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है तो महिलाओं के साथ इवटीजिंग हो जाती है, शर्म से हमारा सिर झुक जाता है, कहाँ कहाँ जाएँ। हमने आपको कूड़ा दिखाया, अगर सरकार नहीं जागी, अगर हमारे MLA नहीं जागे, अगर हमारे मुख्यमंत्री नहीं जागे, तो हम अपने सदर बाज़ार को पूरी तरह बंद करेंगे और बंद करने के बाद LG साहब को कहेंगे कि हम सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को किसी भी तरीके से व्यापारियों के मौत का सौदागर नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर मौत के सौदागर हो गए देश का आर्थिक तंत्र टूट जाएगा। कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे, या सांसद जवाब देंगे, या MLA जवाब देंगे, या काउंसलर जवाब देंगे? ये जवाब यहाँ की जनता पूछ रही है, व्यापारी पूछ रही है, फेडरेशन सदर बाजार पूछ रही है। कमल कुमार, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चक्का जाम करके, वजह क्या है? हम मजबूर होके चक्का जाम और प्रोटेस्ट कर रहे हैं MCD के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। अभी लगभग एक हफ्ता पहले भी हमने इस चीज़ में चक्का जाम किया था कि सदर बाज़ार में जो कूड़े का ढेर लगाया है, सदर बाज़ार को लैंडफिल साइट और बीमारी का घर बनाया हुआ है, तो एक हफ्ता पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, तो हमको अश्योरेंसेस दी गई थी कि सफाई हो जाएगी, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन डाक के 3 पात हैं। आप देखिए पीछे मुड़ के देखिए, खड़े नहीं हो सकते, बदबू के मारे तबीयत ख़राब हो रही है। दिल्ली के बड़े बड़े जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, मेयर हो गई या पार्षद हो गए, जिनकी ये जिम्मेदारी है इस चीज़ पे नियंत्रण रखना सफाई पे, वो तो अपने AC दफ्तरों में बैठे हुए हैं। तो मैं शैली ओबराय जी, जो हमारी माननीय महापौर हैं दिल्ली की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरे स्टाफ के साथ इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर अपना टेबल कुर्सी लगा के अपना दफ्तर लगाइए। 2 घंटे में अगर आपकी सिट्टी बिट्टी गुम ना हो जाए तो हमारा नाम नहीं, तब आपको पता लगेगा कि सदर बाज़ार का व्यापारी किस नरक में से रोज़ गुजरता है। आपके लिए 2 घंटे तो क्या, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? सफाई हो, नहीं तो हमारा काम नहीं, कोई नहीं, अगर सर आपकी मांगे नहीं मानी गई, नहीं मांगी मानी गई तो काम नाम छोड़ के हम फिर रोज़ यही, हमारा काम तो नहीं है बट यही करना पड़ेगा, चक्का जाम करेंगे, सिविक सेंटर जाके मेयर साहिबा का और इन सब का घेराव करेंगे और अपनी आवाज़ जहाँ तक और जोर शोर से ऊपर तक पहुँचाएंगे। ठीक है।